सबसे पहले विश्व गुरु महाकारुणी भगवान गौतम बुद्ध जी के पावन चरणों में सब सत नमन करती है। दुनिया के दाता हेलो 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 भगवान हम लोगों के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब के पावन चरणों में मैं श्रद्धा का सुमन समर्पित करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के पावन चरणों में मैं मिशन गायिका सुनीता चिंचल आजीवन कोट कोटि नमन वंदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य और नौजवान हमारे बड़े भाई हमारी माता और बहनें मैं सबके चरणों का मैं वंदन करती हूँ। धन्य है माता महामाया जिन्होंने भगवान गौतम बुद्ध जी को जन्म दी। ओ माँ वंदनी है पूजनी है पूजनी लायक है। धन्य है माता भीमाबाई जिन्होंने बाबा साहब को जन्म दी। ओ माँ वंदनी है पूजनी है पूजनी लायक है। धन्य है माता बिशन कौर जी जिन्होंने मानवर कांसी राम साहब जी को जन्म दिया। धन्य है माता कर्मा जी जिन्होंने संत गुरु रविदास जी को जन्म दिया। ऐसे माँ को हम कैसे भूल सकते हैं। ऐसी माँ के चरणों का वंदन करना चाहिए जो माँ ने हमको शिक्षा ज्ञान दिया। जो हमारे भगवान हमारे दाता ने हमको हमारे जीवन को अमल बनाया। आज समाज के अंदर समाज के बीच में जो हमको बोलने का है मंच से ये माइक पर पकड़ करके मैं इसके माध्यम से जो बोलने का अधिकार मिला है
ये हमारे भगवान हमारे दाता बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब ने दिए हैं। हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, समाज में बोलने का अधिकार नहीं था, भर पेट भोजन करने का अधिकार नहीं था, सुंदर सा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। ये किसकी देन है? ये बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन है। हम अपने मसीहा हम अपने बाप को कैसे भूल सकते हैं? हम लोग पूरे तरह से अंधविश्वास में हम लोग गुमराह गए और गुमराह करके हमारा जीवन नष्ट हो गया। आज भी हमारा पिछला पीढ़ी भी, अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे तो हमारा पिछला पीढ़ी भी गुमराहता जाएगा, गोबर भी बनता जाएगा। आज जिसके बदौलत हमको शिक्षा मिला है, ज्ञान मिला है, हमारे भाई हमारे चाचा हमारे पिता कोई पढ़ लिख करके इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, अनेकों पद पर है, ये किसकी देन है? ये बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन है। तो हम ऐसे मसीहा के पावन चरणों का वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गीत के माध्यम से कहना है, बोध हो गया, जो बोध हो गया वो शुद्ध हो गया। इसीलिए कहना है कि आज हर